सेक्शन में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर्स के सिंबल्स को देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के सिंबल्स किस तरह से हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये जो लाइन है बेसिकली ये शो कर रही है द प्राइमरी साइड द कंडक्टर, जिसमें से करंट गुजर रहा था, और ये जो आपके बेसिकली कनेक्शन से ये सेकेंडरी साइड को शो कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर के। सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी द अदर सिंबल as well. So, ये जो सिंबल है ये बेसिकली यूज होता है जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर्स को शो करने के लिए। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो जीरो सीक्वेंस करंट है और न्यूट्रल करंट है उसको हमें समझना होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है जीरो सीक्वेंस करंट और न्यूट्रल का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आई एन इज इक्वल टू 3 I0। तो आई नॉट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई एन मिलता है। आई एन बेसिकली न्यूट्रल करंट है। तो जो भी अनबैलेंस करंट है 3 फेजेस का वो न्यूट्रल में फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल करंट, और वो बराबर होता है 3 I0। सो एक मेथड ये हो सकता है कि हम एक सेपरेट सीटी लगाएं न्यूट्रल के ऊपर जो कि न्यूट्रल करंट को डायरेक्टली मेजर करें, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम तीनों करंट्स जो हम हर फेस पे एक सीटी लगा हुआ है उनको सम अप करें और उनका जो हमें मैट्रिक्टोरियल सम मिलेगा उसको हम यूज करें फॉर न्यूट्रल करंट प्रोटेक्शन। सो ये दोनों ही टेक्निक्स फील्ड में यूज होती हैं। नॉर्मली आपको अर्थ फॉल्ट सेपरेट अर्थ फॉल्ट करंट सीटी करंट ट्रांसफार्मर्स की जरूरत वहां बढ़ती है जहां आपका फेस टू ग्राउंड फॉल्ट जो करंट है वो काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फेजेस के ऊपर जो सीटी लगे हुए हैं वो 4000/5 के लगे हुए हैं, 4000 एम्पियर/1 एम्पियर के लगे हुए हैं, और आप इसी को यूटिलाइज करना चाहते हैं न्यूट्रल अर्थ फॉल्ट्स के लिए, जबकि आपको पता है कि आपके नेटवर्क का अर्थ फॉल्ट स्पेसिफिक केस में, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इन दैट स्पेसिफिक केस वो सिर्फ 100 एम्पियर है, तो 4000/1 एम्पियर पे उसकी एक्यूरेसी, उसकी मेजरमेंट, सेंसिटिविटी बहुत मुश्किल है। तो इन स्पेसिफिक केसेस में न्यूट्रल के ऊपर अलग सीटी लगाया जाता है और फेजेस के ऊपर अलग सीटी होता है, लेकिन जहां अर्थ फॉल्ट करंट अच्छा खासा होता है वहां आपको ये ऑप्शन होती है कि आप हर फेज पे एक सेपरेट सीटी लगाएं और 3 I0 यानी वेक्टर सम करके आप आई एन की वैल्यू कैलकुलेट करें और उससे पोटेशन को ऑपरेट करें। सो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं बेसिकली ये यूज किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन डायग्राम्स में। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल है, वेरी सिंपल, और ये शो कर रहा है कि भाई द प्राइमरी साइड एंड दिस इज द सीटी। फर्दर इसको आप जस्ट सिंपली आगे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये किसी रिले में कनेक्ट हो रहा है, ओके, फिर उसके बाद ये किसी दूसरे रिले में कनेक्ट हो रहा है। जस्ट आपको ब्लॉक बनाने पड़ते हैं और आप इसको सिंपली शो कर सकते हैं कि भाई सीटी कहाँ कहाँ कनेक्ट किया गया है। सो नेक्स्ट हेयर ये सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल है बेसिकली मल्टी कोर सीटीज का। सो ऐसे सीटीज भी होते हैं जिनमें 2 कोर्स होती हैं। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो हमारे के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में यूज होते हैं मल्टी कोर सीटीज, उसमें 1 कोर प्रोटेक्शन की होती है और 1 कोर मीटरिंग की होती है। सो 1 कोर इज फॉर प्रोटेक्शन, 1 कोर इज फॉर द मीटरिंग। सो कोर्स को लेके ये है कि प्रोटेक्शन कोर हमेशा प्रोटेक्शन रिले पे कनेक्ट की जाती है, मीटरिंग कोर जो है वो मीटरिंग पे ही कनेक्ट की जाती है। अगर आपके पास 2 कोर्स हैं जो कि पैनल साइड पे डिलीवर हुआ है और सिर्फ 1 कोर यूज हुई है, फॉर एग्जांपल उसकी 1 कोर आप यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन सीटी के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए और दूसरी कोर यूज नहीं हो रही, तो आपको उसकी सेकेंड कोर के टर्मिनल्स को शॉर्ट एंड देन ग्राउंड करना जरूरी है, इसको आप ओपन नहीं छोड़ सकते। सो कोर को आपको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ता है, कोई भी स्पेयर कोर पैनल के अंदर आपको उसकी सेकेंडरी टर्मिनल्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल अगर आप रिले को बाईपास करना चाहते हैं, आप रिले को किसी भी वजह की वजह से बाईपास करके पैनल को ऑन करना चाहते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑब्वियसली, तो इन द सेम केस ऑल्सो आपके जो टर्मिनल्स हैं वो अगर आप वहाँ रिले कनेक्टेड नहीं है
तो उसकी सेकेंडरी साइड पे ही उसको आपको शॉर्ट एंड ग्राउंड करना होगा सीटी की सेकेंडरी साइड पे। सीटी कैन नॉट बी लीव ओपन। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो सीटी था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ ये जो सीरीज है वो फेस पे कनेक्टेड है। यहाँ केबल यहाँ से आई, यहाँ से मूव करती हुई सीटी में एंटर हुई, फिर यहाँ से ये चलेगी यहाँ वीसीबी पे या ट्रॉली के ऊपर सर्किट ब्रेकर के साथ। तो ये बेसिकली एग्जांपल है, थ्री फेस, हर फेस पे एक सीटी लगा हुआ है, और अगर सीटी कनेक्ट होगा तो वो कहाँ कनेक्ट होगा, आप ये देख सकते हैं तीनों केबल्स को इसके अंदर से गुजारा गया है। तो ये बेसिकली जीरो सीक्वेंस सीटी का कनेक्शन मेथड है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रायोरिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कीप इन टच और लेट्स कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।